सोनिया गांधी का भरोसा अब आर्टिकल 370 पर गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे बयानवीरों पर कम हुआ है, इसलिए उन्होंने दूसरे नेताओं को आगे करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी नापाक हरकतों पर विराम लगा देना चाहिए, नहीं तो अंजाम बेहद दुखद होगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, जल थल नभ और यूएन हर जगह हमसे मात खाओगे, अगर अब भी नहीं सुधरे तो ऐ नादान पड़ोसी, चाइना से दान में मिले कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर भी गंवाओगे। सिंघवी का ये बयान तब आया जब यूएनएचआरसी की बैठक में पाकिस्तान ने राहुल गांधी के बयान को अपना मोहरा बनाया। तब कांग्रेस को लगा कि गलती बड़ी हो गई। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी को आगे किया गया, लेकिन इसके पहले तक गुलाम नबी आजाद ही कश्मीर के मसले पर पार्टी की लाइन तय कर रहे थे और राहुल गांधी निहायत शर्मनाक और घटिया ट्वीट कर रहे थे। इसके पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा अगला एजेंडा है, संसद में इस बात का संकल्प लिया था। जिस वक्त नरसिम्हा राव की केंद्र में सरकार थी, माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस पलटी को कोई सियासी लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि गुलाम नबी आजाद और राहुल गांधी दोनों मिलकर पहले ही सारा गुड़ गोबर कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार कर्नाटक से हैं और चिदंबरम तमिलनाडु से। दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों ने रिश्वत का, भ्रष्टाचार का माल अपने परिवार वालों के नाम करके खुद को पाक साफ बने रहे। चिदंबरम के बेटे कार्ती, पत्नी, बहू, यहां तक कि उनकी पोती के नाम भी काली कमाई का माल है। ठीक वैसे ही डीके शिवकुमार की 22 साल की बेटी ऐश्वर्या भी अरबपति बन गई। डीके शिवकुमार ईडी की हिरासत में है और अब ईडी उनकी बेटी को भी पूछताछ के लिए तलब कर रही है। कर्नाटक में इस तरह की पहले से चर्चा थी कि डीके ने करोड़ों रुपए का निवेश अपनी बेटी के नाम पर किया। 2018 के चुनावी शपथ पत्र में उन्होंने 618 करोड़ और बेटी की 108 करोड़ की संपत्ति की घोषणा की थी, लेकिन 2013 में उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर करीब 1 करोड़ से कुछ ज्यादा की प्रॉपर्टी बताई थी। यानी 5 सालों में ही उनकी बेटी 1 करोड़ से 106 करोड़ की मालकिन बन गई। ऐश्वर्या को कैफे कॉफी डे से 20 करोड़ का लोन मिला था। ईडी इसके बारे में भी उनसे पूछताछ करेगी। ईडी को पता चला कि डीके शिवकुमार जुलाई 2017 में बिजनेस डील के लिए अपनी बेटी के साथ सिंगापुर गए थे। ईडी के रडार पर उनकी ये यात्रा भी है। नोटबंदी के बाद से ही डीके शिवकुमार जांच एजेंसीज के निशाने पर हैं। वे तो फंस चुके हैं, अब बारी उनकी बेटी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके सीनियर नेता कृपा शंकर सिंह ने आखिर कांग्रेस क्यों छोड़ी? माना जा रहा है कि इसकी दो वजहें हैं। एक तो पार्टी ने उनसे किनारा कर रखा था, लेकिन दूसरी सबसे खास वजह आर्टिकल 370 पर पार्टी का रवैया। राहुल गांधी या फिर गुलाम नबी का रवैया इस मसले पर उन्हें पसंद नहीं आया। पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यही बनी। माना जा रहा है कि कृपा शंकर सिंह जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस और एनसीपी के नेता जो लाइन लगाकर बीजेपी और शिवसेना की तरफ जा रहे हैं, सबके पीछे आर्टिकल 370 ही है। कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने संसद में और उसके बाहर भी आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने की आलोचना की थी। राहुल गांधी ने तो खैर हद ही कर दी थी। श्रीनगर जाने और फिर ट्वीट करने के कारण कांग्रेस को देश भर में आलोचना का शिकार बनना पड़ा। लेकिन महाराष्ट्र ही क्या, पूरे देश में इस मुद्दे को बड़ा समर्थन हासिल हुआ है, इसीलिए आलोचना के लिए कोई जगह ही नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी के इस आत्मघाती कदम का पहला असर तो विधानसभा चुनाव में दिखेगा ही, लेकिन यह मामला यहीं तक खत्म नहीं होगा। कांग्रेस अपनी इन्हीं अंतर विरोधियों की वजह से लगातार सिकुड़ती जा रही है। उसे हर मोर्चे पर मात मिल रही है, पार्टी के अंदर भी और बाहर भी। अभी कांग्रेस में कई और कृपा शंकर सिंह जैसे नेता हैं जो मौके पर पार्टी से किनारा करने को तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उर्मिला मातोंडकर और फिर कृपा शंकर सिंह के इस्तीफे के बाद मुंबई कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। इस कांग्रेसी कलह में अब मिलिंद देवड़ा भी शामिल हो गए और सबके निशाने पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम हैं। उर्मिला मातोंडकर ने अपने इस्तीफे में उत्तर मुंबई के कांग्रेसी नेताओं पर निशाना साधा था। अब वही बात अपने तरीके से मिलिंद देवड़ा ने भी कह दी। उन्होंने कहा कि उर्मिला मातोंडकर जब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने आई तो मैंने जी जान से उनकी मदद की, लेकिन उन्हें पार्टी में शामिल करवाने वाले लोगों ने ही उनका साथ छोड़ दिया। असल में उर्मिला मातोंडकर को कांग्रेस में संजय निरुपम लेकर आए थे। उर्मिला ने भी अपने पत्र में उन पर ही निशाना साधा था। कृपा शंकर सिंह के इस्तीफे की वजह भी संजय निरुपम को पार्टी की तरफ से दी जा रही तरजीह ही है।
माना जा रहा है कि संजय निरुपम और कृपा शंकर सिंह दोनों उत्तर भारतीय समुदाय के बड़े नेता हैं। संजय के उदय से कृपा शंकर सिंह पर पार्टी का भरोसा कम हुआ और उन्हें किनारे लगा दिया गया। लेकिन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उर्मिला मातोंडकर और कृपा शंकर सिंह का इस्तीफा कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। मिलिंद देवड़ा तो पहले से ही कांग्रेस से फूके बैठे हुए हैं और पार्टी छोड़ने के लिए मौके की तलाश में है। अब अकेले संजय निरुपम कांग्रेस के लिए कुछ कर पाएंगे, इसमें संदेह है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना से मुकाबला करना उनके बस में नहीं है। और वैसे भी बीजेपी शिवसेना के सितारे काफी बुलंद है। माना जा रहा है कि एनडीए का विजय रथ कांग्रेस को कुचल कर निकल जाएगा और कांग्रेस एक तमाशबीन की तरह सब कुछ देखती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एनआरसी पर नीतीश कुमार ने अपना प्रवक्ता ममता बनर्जी को बना दिया। दोनों ही नेता बिहार और बंगाल में एनआरसी नहीं चाहते, लेकिन अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि देश में किसी घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा। मतलब कि अगली सियासी जंग नीतीश कुमार और ममता बनर्जी से बीजेपी को लड़नी होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रदेश में एनआरसी लागू कराना चाहते हैं, इसलिए झारखंड पहुंचकर नीतीश कुमार ने बीजेपी पर तीखे हमले किए। लेकिन बिहार में बीजेपी के नेता संजय पासवान और उनके बाद डॉक्टर सीपी ठाकुर ने नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी छोड़ने तक की सलाह दे डाली। जेडीयू बीजेपी के इन दोनों नेताओं के बयान से असहज है। डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा कि विधानसभा का चुनाव एनडीए को पीएम मोदी के नाम पर लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके कद और उनकी लोकप्रियता के मुकाबले नीतीश कुमार कहीं नहीं ठहरते। बीजेपी की इसी मंशा को भांपकर जेडीयू ने एक साल पहले ही चुनावी अभियान शुरू कर दिया और नीतीश कुमार के चेहरे को आगे कर दिया। बीजेपी नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू के इस पोस्टर अभियान का विरोध तो किया, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी से संजय पासवान और डॉक्टर सीपी ठाकुर से इत्तेफाक नहीं रखा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के कैप्टन हैं, लेकिन जेडीयू में इन दो नेताओं के बयान के बाद खलबली मची है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को बड़बोलेपन से बचना चाहिए। नीतीश कुमार किसी के रहमो करम पर नहीं, बल्कि जनता के आदेश पर सीएम बने हैं। फिलहाल बीजेपी भी मामले को तूल नहीं देना चाहती, लेकिन नीतीश को इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए कि वो ममता बनर्जी के साथ मिलकर केंद्र की सरकार पर निशानेबाजी करें। अब बात निकली है तो मानकर चलिए कि दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुप बैठे रहना सचिन पायलट के स्वभाव में नहीं, लेकिन जब से सोनिया गांधी और उनके पुराने सहयोगियों के हाथों में पार्टी आई है, तब से सचिन पायलट कुछ ज्यादा ही सतर्क है। बहरहाल जिस तरह से पुराने नेताओं की गाज सिंधिया, देवड़ा और जितिन प्रसाद जैसे नेताओं पर गिरी, कुछ वैसा ही उनके साथ भी हो रहा है। लेकिन पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जाने को लेकर जो विकल्प मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद के पास है, वैसा सचिन पायलट के साथ नहीं है। वजह यह कि राजस्थान में वसुंधरा राजे और पीएम मोदी के खास करीबी गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता हैं, इसलिए सचिन को बीजेपी में ज्यादा अवसर नहीं मिल सकते। लेकिन राजनीतिक भविष्य की जैसी चिंता सिंधिया, देवड़ा और जितिन प्रसाद को है, वैसी ही चिंता सचिन पायलट की भी है। सचिन पायलट के सूत्र बताते हैं कि चुपचाप क्षेत्रीय पार्टी बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन सचिन की ये सोच तभी आकार लेगी जब अगले विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल सचिन पायलट चुपचाप ही रहेंगे। वैसे भी राजस्थान में पार्टी के नए अध्यक्ष की खोज जारी है और संकेत इस बात के हैं कि नया प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत की पसंद का ही बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका वाड्रा तीनों ने मोर्चा संभाल लिया है। तीनों की निगाहें 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर टिकी हैं। तीनों में इस बात की होड़ है कि आखिर योगी के मुकाबले नंबर दो की पार्टी कौन बनेगी। अखिलेश आजम खान के खिलाफ हो रही कार्रवाई को मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए कर रहे हैं, तो प्रियंका गांधी सोनभद्र और बिगड़ती कानून व्यवस्था के सवाल उठा रही है। मायावती के पास भी कई मुद्दे हैं, बिजली की बढ़ी हुई कीमत, कानून व्यवस्था, मतलब तीनों की कोशिश अपने अपने तरीके से योगी सरकार को घेरने की है। मायावती और अखिलेश में एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिशें भी हो रही हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रतापपुर में मायावती के 17 नेताओं को तोड़ भी दिया है। प्रियंका गांधी अपनी सियासी लड़ाई ट्विटर के जरिए लड़ रही हैं। यही हाल मायावती और अखिलेश का है। तीनों नेता जमीन पर नहीं, सोशल मीडिया पर संघर्ष कर रही हैं और वोट तो जमीन पर मिलते हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता का कहना है कि कांग्रेस, बीएसपी और एसपी तीनों फेसबुक और ट्विटर से चुनावी जंग जीतना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।